अब यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ सुकून है, मैं हूँ और ये नेचर है, कुछ चिड़ियों की आवाजें हैं। आज से एक महीना पहले मैंने सुकून की तलाश के लिए एक लफ्ज को चुना। वो लफ्ज जिस इंसान की जिंदगी में नहीं है, उस इंसान को उसकी जिंदगी का उतार चढ़ाव का पता नहीं चलेगा, उस इंसान को उसकी जिंदगी की कामयाबी नाकामी का नहीं पता चलेगा, उस इंसान को सीखने को कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो लफ्ज नहीं चुनेगा। उस लफ्ज से ये गाड़ी और ये घर, सुकून सब मिलता है अगर वो लफ्ज आप चुन लोगे तो। और उस लफ्ज को मैंने 23 अप्रैल को चुना था। उस लफ्ज की कहानी मैंने एक पेपर पे लिखी हुई है। जितना मर्जी कुछ कर लो, सिर्फ एक यही लफ्ज तुम्हारी कामयाबी है। जो जो इंसान अपनी जिंदगी को ये लफ्ज देता रहा है, वो इंसान हमेशा कामयाब रहा है और पुरसकून रहा है। और वो जो मैंने लफ्ज लिखा था, वो लफ्ज का नाम है चैलेंज। वो चैलेंज जो मैंने लिखा था इस पेपर पे, वो आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा और आप लोगों को शेयर करूंगा अपना चैलेंज कि मुझे इससे क्या सुकून मिला, मुझे इससे क्या बेनिफिट मिले। तो मैंने लिखा था, हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मुश्ताक फ्रॉम पाकिस्तान, राइट नाउ आई एम इन इटली। कुछ दिन पहले मैंने कुछ अजीब चैलेंज दिए, जिसमें एक दिन 36 घंटे में नहीं सोया, एक में आई थिंक 20 घंटे में नहीं सोया। आफ्टर कंप्लीट लास्ट चैलेंज मैंने एक और चैलेंज दे दिया, आई रिमूव सम ऐप फ्रॉम माई फोन, सेल फोन, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज जो मैंने किया था। फिर उससे मैंने आवाज में लिखा, पहले सोचा ये चैलेंज मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो वीडियो क्यों बनाऊँ, फिर सोचा कि कोई और भी मेरे चैलेंज को देखे अपने आप को ये चैलेंज दे सकता है, मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। मैंने इस चैलेंज को कोई लिमिट नहीं दी, मैंने उस वक्त इस चैलेंज को मैं कितना कंटिन्यू रख सकता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ मैं कितना चैलेंजिंग हूँ। Now see you later, I don't know how later but we will peace। तो चैलेंज को आज ब्रेक करने की एक वजह है, वो वजह है सिर्फ और सिर्फ ये ईद, कि मैं इस चैलेंज को बहुत लेट ब्रेक करता, शायद 1 साल बाद, शायद 6 महीने बाद, शायद 8 महीने के बाद। लेकिन कहते हैं कि अब ईद आती है, जब बड़े हमारे त्यौहार आते हैं तो इस पर एक दूसरे को हम लोग सलामती भेजते हैं, हम लोग एक दूसरे पे सलाम भेजते हैं, हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये चैलेंज ब्रेक करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को ईद मुबारक कहने की वजह थी, इसलिए मैंने ये चैलेंज ब्रेक किया है। अब बात आती है मुझे इस चैलेंज से क्या बेनिफिट हुए हैं, अगर ये आप लोग देखना चाहते हैं, मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में जाके आप लोग देखिएगा कि मुझे कितना बेनिफिट मिला है इस चैलेंज से, मैंने कितना काम किया अपने आप के ऊपर और मुझे कितना सुकून मिला है। सुकून की बात मैं यहाँ पे करूँ कि मैं सोच नहीं सकता था कि ये चैलेंज करने के बाद मुझे इतना सुकून मिलेगा, मेरे दिमाग में इतनी अच्छी बातें आएगी, मैं इतना सीख सकूँगा, मैं इतना पढ़ सकूँगा, मैं इतना कुछ कर सकूँगा कि मैं सोच नहीं सकता था। 24 आवर्स में से हम लोग, मेरा ख्याल है 10 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग स्पेंड करते हैं टिकटॉक, मैसेंजर, फेसबुक, इन चीज़ों पर। तो ये था मेरा आज का चैलेंज। अब सब भाइयों को, सब बहनों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, साथ वालों का भी ख्याल रखिए, किसी का भी ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी को चैलेंज में डाल के रखिए। अब तक आप अपनी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं देंगे, चैलेंज नहीं लाएंगे, आप कुछ अप डाउन सीखने, कामयाबी या किसी भी आप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे। तो दैट्स इट, आज की वीडियो इतनी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।